तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे फोर वे बोर्ड में एक सॉकेट और तीन स्विच का कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्विच के निचले वाले टर्मिनल में हमने वायर का यहाँ पे लूपिंग कर दिया है, देख सकते हैं। और इस वाले स्विच से इस सॉकेट को हमने कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो बोर्ड को मैंने अच्छी तरीके से वॉल में फिटिंग कर लिया है। और ये ब्लू कलर की जो वायर आप देख सकते हैं ये इन्वर्टर की वायर है, ठीक है गाइज। और यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं एक जंक्शन लगा के होल्डर लगाया गया है। और बात करते हैं ये जो लाइट का हमारा देख सकते हैं येलो कलर की 1 mm की जो वायर है, ये लाइट का हमारा फेस का वायर है, देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं लाइट का हो गया और ये इन्वर्टर का। और ये हमारा ब्लैक कलर का 2.5 mm की जो वायर है, येलो कलर का टेप लगा है, ये फेस की वायर है, ठीक है गाइस। और ये दो लाइट का न्यूट्रल है, देख सकते हैं, और एक मेन हमारा न्यूट्रल है, ठीक है गाइस। कहीं कहीं पे क्या होता है कि अगर एरिया कम होता है तो एक कलर का वायर यूज किया जाता है। तो फिलहाल अभी इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन वायर हमने डाल दिया है। तो देख सकते हैं इस तरह से इन्वर्टर की जो वायर है हम फट्टी के अंदर डाल लेंगे। और यहाँ पे टोटल हमारा यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रल जो वायर है इसको हम इस तरह से ट्विस्ट कर लेंगे आपस में। उसके बाद सॉकेट के पॉइंट पे हम कनेक्शन कर देंगे, यानी जहाँ पे हमारा एन लिखा रहेगा न्यूट्रल वाले पॉइंट पे हमें कनेक्शन कर देना है। और यहाँ पे स्क्रू को आपको फुल टाइट करना है गाइज, लूजिंग नहीं रखना है, ठीक है गाइज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा हो चुका है। और उसके बाद जो फेस का कनेक्शन यहाँ पे वायर है ये स्विच के निचले वाले टर्मिनल में हम कनेक्शन करेंगे, देख सकते हैं। अब यहीं से हमारा बाकी जो स्विच है लूपिंग किया गया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फेस का कनेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं स्विच के निचले वाले टर्मिनल में हम कर दिए हैं और स्क्रू को यहाँ पे टाइट कर देंगे। उसके बाद गाइज हमारा जो लाइट का फेस बचता है, तो दो लाइट है, ठीक है, एक अंदर लाइट है और एक बाहर लाइट है, देख सकते हैं। तो इस स्विच को दो स्विच बचता है, तो बारी बारी स्विच में हम कनेक्शन कर देंगे, देख सकते हैं। एक लाइट का इस वाले स्विच से हम कनेक्शन करेंगे और उसके बाद हमारा एक वायर बचता है, ठीक है। तो स्विच भी हमारा एक बचता है, देख सकते हैं, इस वाले स्विच से हम कनेक्शन कर देंगे। अब हमारा जो कनेक्शन है गाइज कंप्लीट हो चुका है। आप समझ गए होंगे किस प्रकार से कनेक्शन किया गया है। ये न्यूट्रल का है और ये फेस का है, देख सकते हैं। और तीनों स्विच पे हमारा फेस और इस वाले स्विच से सॉकेट और दो लाइट है, तो दो स्विच से हमारा एक एक लाइट का कनेक्शन यहाँ पे हो गया है। उसके बाद इस बोर्ड को अच्छी तरीके से यहाँ पे हम कस लेंगे, देख सकते हैं, स्क्रू को इसको टाइट कर देंगे। अब हमारा जो कनेक्शन है कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम चेक करके आप लोगों को दिखलाते हैं। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो इसमें मैंने सप्लाई दे दिया है और इस वाले स्विच को हम ऑन कर रहे हैं, तो देख सकते हैं हमारा बल्ब जल रहा है, ठीक है गाइज। तो अब हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। तो आज